साथियों, मैं प्रदीप राणा, गांव हुलाड़ी, जिला सोनीपत, हरियाणा से आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो का मकसद है खेतों में जो हम बाड़ करते हैं या फेंसिंग जिसको बोलते हैं, वो किस तरह हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने है, ये औजार हैं जो हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं बाड़ करते वक्त। जो मेरे बिल्कुल दाईं तरफ है, ये लोहे की मोटी रोड है जो ज़मीन में जो हम गड्ढा करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये पोस्ट होल डिगर बोलते हैं इसको। ये भी गड्ढे के लिए 5 इंची गड्ढा करता है। ये सोल बोलते हैं इसको। ये जो हम खंभे गाड़ रहे हैं फेंसिंग के लिए, उन खंभों की जो ऊंचाई है वो लेवल में है या नहीं, सीधे खड़े हैं या नहीं, ये बताता है। ये 6 mm का सरिया है 2 सूत का, जो हम जो कंक्रीट डालते हैं या जो मसाला डालते हैं उसमें से हवा निकल जाए और अच्छे से प्रेस हो जाए। ये करनी है मसाला डालने के लिए। हथौड़ी है, ये मेजरिंग टेप है मापने के लिए। ये एक छोटा सा औजार है जो हम सीमेंट डालने के लिए या मसाला डालने के लिए यूज़ करते हैं। कस्सी है, तसला है, एक पीपा है जिसे हम मापते हैं, और एक बाल्टी है पानी डालने के लिए। और एक ये फ्रेम हमने बनाया है जो ज़मीन से ऊपर अगर हमें मसाला चढ़ाना है खंभे के ऊपर, उसमें हम इस फ्रेम का प्रयोग करते हैं। ये 5 इंची प्लास्टिक का पाइप है जिसको हमने 2 हिस्सों में काट दिया है बराबर, यहाँ पे देखोगे आप। और फिर क्लिप लेके, ये लोहे के क्लिप लेके, छोटे छोटे नट से हमने दोनों साइड ये नट टाइट कर दिए हैं ताकि पाइप और क्लिप आपस में जुड़े रहें। ऐसा ही हमने क्लिप और पेंच नीचे लगाए हैं। ये दोनों हिस्सों पे हमने अलग अलग क्लिप लगाई हुई है, और ये 4 नट लगाए हैं हमें जो कि 2 पाइपों को आपस में जोड़े रखते हैं। यहाँ पे ये दूसरा है, ऐसे ही नीचे दोनों साइड पे हमने ये नट लगाए हुए हैं। ये 10 फीट की हम एंगल का प्रयोग कर रहे हैं फेंसिंग में या बाड़ करने में, जो हम प्रयोग में ला रहे हैं ये 10 फीट का एंगल है। और नीचे हमने इस एंगल पे ये होल पास लगाया हुआ है या सपोर्ट बोल सकते हो, और इस पे हमने पुराना इंजन का ऑयल लगाया हुआ है, काला तेल जिसको बोलते हैं। ये जो नीचे बेस हमने लगाया हुआ है, इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये जो एंगल है इसको सपोर्ट देता है, और दूसरा ये मसाले में पकड़ में मदद करता है ताकि अच्छे से मसाले का पकड़ हो जाए एंगल के अंदर और सीधी एंगल जो है डटी रहे। उसके लिए ये नीचे हमने होल पास बोल लो या एक सपोर्ट बोल लो, ये लगाई हुई है। अपने खेत में अगर आप लोग बाड़ करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक कागज़ के ऊपर अपना पूरा लेआउट बनाए या एक नक्शा बनाएं, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आपको कितनी पोल खड़े करने हैं और कितना मसाला लगेगा और पोल से पोल की दूरी कितनी होगी। ये आप एक कागज़ के ऊपर बनाएं, एक नक्शा बनाएं, ये आपको बहुत मदद करेगा। जब नक्शा तैयार हो जाए और पोल वगैरह आप ख़रीद लो, तो सबसे पहले खेत के कोनों पे पोल लगाएं, जैसा कि हमने यहाँ पे कोने पे पोल लगाया है, और एक हमने उस कोने पे पोल लगाया है बिल्कुल आखिर में। फिर हमने एक रस्सी बांध दी है, सूत जिसको बोलते हैं, यहाँ से वहाँ तक। इस रस्सी से क्या मदद मिलती है कि हम एक सीधी लाइन हमें पता लग जाती है जिसमें हमें पोल्स को लगाना है। अब हम यहाँ पर जब हमने ये तय किया था कि हम पोल से पोल की दूरी 15 फीट रखेंगे, तो सबसे पहले हमने निशान लगाए कोने, खेत के चारों कोनों पे एंगल लगाने के बाद हमने 15 फीट दूरी पे निशान लगाए, और वो निशान लगाने के बाद हमने वहाँ पे गड्ढे खोदने का काम चालू किया। तो अब हम यहाँ पे इस औजार के माध्यम से 5 इंच का ये चौड़ाई में गड्ढा करता है। बाज़ार से हमने यूनिसन कंपनी का ये परचेज किया था, 350-400 रुपये की इसकी कीमत थी जब हमने ख़रीदा था। तो ये 5 इंच की मोटाई पे गहरा गड्ढा करता है। हम जो ये गड्ढे हैं, इनकी गहराई जो है तकरीबन 3 फीट रखते हैं, 3 फीट गहरा रखते हैं। इसके पीछे जो हमने पढ़ाई की या जो हमारा एक छोटा सा जो तजुर्बा रहा, ये रहा कि अगर आपकी जो एंगल की जो टोटल लंबाई है
उस लंबाई का एक तिहाई हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर ज़रूर मतलब डालें। इतना गहराई ज़रूर, एक तिहाई गहराई ज़रूर होनी चाहिए उससे, ताकि आपकी एंगल बाजुओं में ना गिरे, इधर उधर ना गिरे और एक उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मिले। इसलिए एक तिहाई भाग ज़मीन के अंदर गाड़ना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी जो एंगल है वो 10 फीट की है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3 फीट गहरा गड्ढा ज़रूर हो। दूसरी कोशिश हम क्या करते हैं कि जब गहरा गड्ढा खोदने के बाद, 3 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद, हम जो है उसको ग्राउंड लेवल तक मसाला डालने के बाद फ्रेम डालते हैं, और उस फ्रेम से की मदद से हम जो हमारा ज़मीनी स्तर है या जो ग्राउंड लेवल है उससे 1 या 1.5 फीट ऊंचाई तक मसाला भरते हैं, ताकि जो पानी है वो एंगल को टच ना करे, नमी ज़्यादा ना लगे एंगल को और वो गले ना। ये 3 फीट का हमने गहरा गड्ढा खोद लिया है, इसके अंदर हम सूखी रोड़ी डाल रहे हैं। सबसे पहले नीचे तकरीबन 2.5 या 3 इंच तक हम सूखी रोड़ी डालते हैं इसके अंदर। सूखी रोड़ी डालने के बाद हम इसमें 2.5 इंच तक मसाला डालते हैं या कंक्रीट डालते हैं। ये जो कंक्रीट है ये हमने M15 ग्रेड का बनाया है। M15 ग्रेड के अंदर 4 जो बकेट हैं या जो 4 पीपे हैं वो हम रोड़ी के प्रयोग करते हैं, 2 पीपे हम डस्ट के प्रयोग करते हैं और 1 पीपा सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये M15 ग्रेड का जो कंक्रीट है वो तैयार हो जाता है। अब कंक्रीट डालने के बाद 2 से 2.5 इंच हम इसमें अपनी एंगल डालते हैं और थोड़ी इसकी पिटाई करते हैं या प्रेसिंग करते हैं। इससे क्या होगा कि जो मसाला है वो नीचे तक बैठ जाएगा, एंगल को एक जो है समतल बेस मिलेगा जिसके ऊपर एंगल सीधी खड़ी हो सकती है। अब हम उसकी थोड़ी सी पिटाई करेंगे मसाले की या प्रेसिंग करेंगे। प्रेस करने के बाद मसाले का या एंगल से जो हमने नीचे मसाला डाला था, अब हम इसमें साइडों में कंक्रीट डालेंगे। साइडों में मसाला डालने के बाद हम जो 2 सूत का सरिया था उससे इस मसाले की पिटाई करेंगे, और पिटाई करने से पहले हम यहाँ पे सोल के माध्यम से एंगल का चेक करेंगे कि एंगल जो है वो सीधी है या नहीं। अगर सोल एंगल को टच करता है तो मतलब एंगल सीधी है, ये हम दोनों दिशा में चेक करते हैं। सीधी खड़ी है जो हमने सोल के माध्यम से चेक किया। अब हम सरिये से जो मसाला डाला है उसकी प्रेसिंग करते हैं ताकि कोई हवा है वो निकल जाए और मसाला अच्छे से सेट हो जाए। जब मसाला ऊपर तक भर दे, इसके बाद हम जो फ्रेम हमने बनाया हुआ है वो डालते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर से ऊपर तक हम मसाला जो है एंगल के ऊपर चढ़ा सकें। तो ये फ्रेम जचाने के बाद हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। ये फ्रेम के अंदर हम मसाला डालेंगे जिस स्तर तक हमें चाहिए या जिस ऊंचाई तक चाहिए। मसाला बीच बीच में हम मसाले को जो है प्रेस करते रहेंगे सरिये से, ताकि हवा निकल जाए और मसाला अच्छे से सेट हो जाए।
ये फ्रेम हम पूरा जहाँ तक जिस लेवल तक चाहिए हम भरने के बाद इस फ्रेम को इसी तरह छोड़ देंगे। अब जैसे ये फ्रेम आप देख रहे हो, ये हमने मसाले से बिल्कुल ऊपर तक भरा है ताकि ज़मीन से जो है ये थोड़ा ऊंचाई पे रहे, जिसके इसका फ़ायदा क्या होगा कि नमी नहीं लगेगी एंगल को, पानी नहीं लगेगा और इस वजह से एंगल को जंग लगने के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। अब इस मसाले के कंक्रीट के ऊपर हम थोड़ा सा डस्ट और सीमेंट का मसाला डालते हैं जिससे कि ऊपर से ये एक समान हो जाए और पानी ना ठहरे। अगले दिन हम जो है फ्रेम को हटा देते हैं और मतलब जो फ्रेम हटाने के बाद पोल ऐसा दिखाई देता है और फ्रेम हटाने के बाद हम इसको जो है बोरी से इस तरह से ढक देते हैं ताकि जो कंक्रीट है उसमें नमी बनी रहे और उसकी पकड़ मजबूत हो। तो इस तरह हम जो हैं अपने जितने भी पोल्स हमने लगाए हैं सभी को हम जो है बोरी से ढक देते हैं। ये हमने पोल्स लगाए हुए हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि तार जो हम जो कांटे वाली तार है इन पोल्स पे जो हम बांधेंगे वो हम किस तरह से बांधेंगे, उसकी अगर कोई नई तकनीक हम ने प्रयोग की तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।